आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.8 को, ठीक है। 7.8 जो है हमारी वो डिपेंड है सारी डेफिनेट इंटीग्रल्स पे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल्स पे डिपेंड करती है एज लिमिट ऑफ सम। अब इस सम से आप समझो हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है उसको भी हम देख लेंगे, और साथ साथ में जो इससे पहले की जो जितने भी वीडियोज हैं, ठीक है, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं 7.7 तक, तो उसको आप एक बार जाके देख लें, ठीक है। अब इसमें देखो जो फॉर्मूला है और जो थोड़ी बहुत बातें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लो, अगर आपके पास ये दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन दी है, मान लो ये कोई फंक्शन है एक्स डी एक्स हमने लिया, ठीक है, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है बी। तो बस इतना याद रखो कि ये जो ए है, ठीक है, ये जो ए है ये हमारा क्या है, लोअर लिमिट। क्या है ये? लोअर लिमिट है। और ये जो हमारे पास है ये क्या है? अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट है। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमारे पास अपर लिमिट भी दी है, लोअर लिमिट भी दी है, ठीक है। तो यहां पर अब हम इस जो हम लिखते थे ना सी कांस्टेंट, उसको अब हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो पहले क्या था, इंटीग्रेशन हमारे पास दी जाती थी, यहां पर ना तो कोई एरिया था, ठीक है, ये ओपन था, तो हम क्या करते थे, प्लस लास्ट में सी लगा देते थे। जैसे हम इंटीग्रेशन लगा दी तो लास्ट में प्लस सी, लेकिन अब हमारे पास क्या है, एरिया उतना ही है, यानी कि वन, यहां पर वन होगा, यहां पर टू होगा, तो हम वन से लेकर के टू तक जा सकते हैं, इससे बाहर हम नहीं जा सकते, तो ये जो सी है अब नहीं आएगा, ठीक है, सी हम नहीं लेंगे। तो इतनी सी बात समझ लो। अब देखो इसमें क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच यहां पर आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस अप टू सो ऑन चलते जाएंगे, ठीक है, कहां तक, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पर जो एच निकलेगा, एच निकलेगा हमारा, एच इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन, ठीक है, या फिर हम इसको सिंपल लिख सकते हैं एन इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। और एन एच कैसे निकल जाएगा, एन एच इक्वल टू आ जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारा एक्चुअल जो रिजल्ट निकला वो एन एच इक्वल टू बी माइनस ए निकलेगा। इतना क्लियर है? अब इसमें दो तीन जो हम टाइप्स हैं कैसे हम क्वेश्चन के सम को करेंगे उसको देख लेंगे। देखो अगर हमारे पास दिया हो, अगर हमारे पास सम आए, सबसे पहले आ जाए वन प्लस टू प्लस थ्री, ये सब आप मैथमेटिकल इंडक्शन में प्लस वन क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्लस फोर अप टू सो ऑन एन, ठीक है। अगर ये दिया हो आपके पास, अब देखो सीरीज में है, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अप टू सो ऑन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, क्लियर है बात। अगर आपके पास दिया हो वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर अप टू सो ऑन एन स्क्वेयर, तो यहां पर क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स, क्लियर है। अब अगर आपके पास दिया हो, मान लो वन क्यूब है, टू क्यूब है, प्लस थ्री क्यूब है, प्लस फोर क्यूब है, अप टू सो ऑन एन क्यूब है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखना, एन इंटू एन प्लस वन आएगा, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा, टू आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे यहां पर कितना आएगा, इसका स्क्वेयर आएगा। अगर मान लो आपके पास हो वन रेस टू पावर फोर प्लस टू रेस टू पावर फोर प्लस थ्री रेस टू पावर फोर प्लस फोर रेस टू पावर फोर अप टू सो ऑन एन रेस टू पावर फोर, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम यही लिख देंगे, ठीक है, यही लिख दो, एन इंटू एन प्लस वन लिख दो, अपॉन में टू लिख दो, ठीक है। अब यहां पर पावर क्या हो जाएगी, यहां टू थी, यहां थ्री हो जाएगी। अगर मान लो फाइव का केस आ जाए, ठीक है, यहां पर फाइव आ जाए, तो यहां पर जो पावर है वो फोर हो जाएगी, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा समझने लायक। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी
एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहां देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, एनएच। तो एनएच तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे कि एनएच क्या होगा, बी माइनस ए। क्यों? बिकॉज देखो देयर फॉर ए के प्लेस में आपके पास क्या है, ए ही है, और बी के प्लेस में आपके पास क्या है, बी है, ठीक है। तो एनएच कितना आ गया, एन एच इक्वल टू आ जाएगा बी माइनस ए, इतना क्लियर है। अब निकाल देंगे हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एक्स के प्लेस में हमारे पास क्या है, एक्स ही है। अब एफ ऑफ ए निकालेंगे, तो एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है, ऑलरेडी ए गिवन है, ठीक है। अब यहां देखो एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल दो, ए प्लस एच, ए प्लस एच कितना आ जाएगा, ए प्लस एच हमारे पास ए प्लस एच ही रहेगा। एफ ऑफ ए प्लस टू एच कितना आ जाएगा, ये भी हमारे पास ए प्लस टू एच आ जाएगा, ठीक है। अप टू सो ऑन चलते जाएंगे इस लास्ट एफ ऑफ ए एन माइनस वन तक, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहां हम लिखेंगे सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू में एच, तो ये कितना आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। देखो ए और बी था इसलिए हमारे पास यही चीजें आई। जैसे जैसे हम अगले क्वेश्चन को करेंगे वहां आप और ज्यादा सीखोगे। अब लिमिट यहां पर पुट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, लिमिट को पुट कर देंगे। तो लिमिट रखी हमने, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच इंटू, अब देखो हमारे पास क्या था, यहां पर ए है, फिर ए प्लस एच है, फिर ए प्लस टू एच है, तो इसको लिख देंगे ए प्लस एच प्लस ए प्लस टू एच प्लस अप टू सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इतना क्लियर है। अब देखो यहां से क्या करो, ए ए ए को हम बाहर कर लेंगे, तो लिमिट तो एज इट इज रहेगी एच, ए निकाला ए प्लस ए प्लस ए अप टू सो ऑन, कहां तक जाएंगे हम, इस ए तक जाएंगे, ठीक है, इस ए तक चले गए। अब देखो बीच में प्लस का साइन आएगा, अब यहां पर एच अलग कर लो, तो एच किया हमने अलग, एच प्लस टू एच प्लस अप टू सो ऑन एन माइनस वन एच, क्लियर, ठीक है। पहले तो हमने ए वाले साइड में कर लिया, ये ए था ए था ए था, इसको हमने अलग कर दिया, फिर हमने क्या किया अप टू सो ऑन ए तक, ठीक है, फिर हमने एच की वैल्यूज को अलग कर दिया, जहां तक भी है यहां भी एच है, यहां भी एच है, यहां भी एच था, ठीक है। अब देखो अब ये जो इतना इतना आपको दिख रहा है ना ए से लेकर के ए तक, अभी हमने बात की थी, ये देखो ये हमने बात की थी, तो कितने कौन सी टर्म्स बन रही है, एन टर्म्स। तो ये तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, यहां हम ए इंटू कर देंगे एन, ठीक है, ए इंटू कर देंगे एन प्लस, यहां पर देखो एच को आप बाहर निकाल लो, कॉमन निकाला, तो यहां पर वन प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन, यहां पर रहा हमारे पास एन माइनस वन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहां पर तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच, ये बन गया ए एन प्लस, यहां पर आ गया एच। अब देखो ये जो वन प्लस टू दिख रहा है आपको, अभी हमने फॉर्मूला किया था ये वन प्लस टू प्लस थ्री, तो एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर हमारे पास क्या है, एन इंटू एन प्लस वन वो बच्चा है, ठीक है, तो एन माइनस वन तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको लिख दो एन माइनस वन, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो, देखो सिंपल सी बात है कि n इंटू एन प्लस वन है, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन है, तो n के प्लेस में हमारे पास कितना आ गया, n माइनस वन, ठीक है, n के प्लेस में हमारे पास ये चीज आ गई। अब n के प्लेस में दोबारा से हम क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो क्या था, ये हमारे पास क्या बनता है, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, और अपॉन में टू बनता है, तो n के प्लेस में तो n माइनस वन है, इस n के प्लेस में भी ये n माइनस वन है, तो हम लिख देंगे n माइनस वन, और साथ में जो ये प्लस वन है इसको भी हम साथ में लिख देंगे, और डिवाइड बाय टू कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये माइनस वन से ये प्लस वन कट गया, अब हमारे पास कितना रहा, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच, यहां पर आ गया ए एन प्लस एच, यहां पर कितना बचा, ये बचा हमारे पास एन माइनस वन इंटू एन अपॉन टू, ठीक है। इतना काम खत्म करने के बाद अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो
H, ठीक है। अब देखो ये जो H है, इस H को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर। तो H को मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास कितना है ANH प्लस, इसके साथ करवाएंगे तो एच स्क्वेयर और बाकी एन माइनस वन इंटू एन अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद अब ये जो एच स्क्वेयर है ना, एक एच हम इसके साथ बांट देंगे, ठीक है, और एक एच हम इसके साथ बांट देंगे। देखो कैसे, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, यहाँ पर आ जाएगा ए एन एच प्लस, यहाँ पर क्या रहेगा, देखो अब इस एच को मैंने इसके साथ बांटा, यानी कि एन एच माइनस एच आ गया, और देखो ना एच इंटू एच करेंगे, ठीक है। तो एक एच तो हमने इसके साथ दे दिया और एक एच हम इसके साथ दे देंगे, यानी कि ये बन जाएगा एन एच अपॉन टू। बात आई समझ में? देखो इस एच स्क्वेयर को आप एक साथ मल्टीप्लाई मत करना, इसको आप बांट लेना, यानी कि एक एच हम इस पूरे के साथ बांट देंगे और एक एच हम इसके साथ बांट देंगे, ठीक है। तभी हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया हमारे पास लिमिट एच अप्रोच टू जीरो। अब देखो ये जो एन एच है, एन एच हमारे पास क्या था, बी माइनस ए निकाला था, तो बस इसको पुट कर दो एच एन एच की प्लेस में। यहाँ पर ए एन है, ए को हम ए रखेंगे, एन एच की प्लेस में बी माइनस ए आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा माइनस एच, ठीक है, और यहाँ पर एन एच की प्लेस में बी माइनस ए आ जाएगा और अपॉन में क्या है, टू। देखो अब कितना इजी हो गया क्वेश्चन करना। अब यहाँ से क्या करो, आराम से हम लिमिट को पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे हम लिमिट को पुट करेंगे तो एच वाली चीज हमारी जीरो बन जाएगी, ये एच वाली चीज जीरो बन जाएगी, बचा कितना, बचेगा हमारे पास सिर्फ ए इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए और होल डिवाइड इसके नीचे टू, ठीक है, इतना बचा हमारे पास। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आया, ए बी माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी ए माइनस ए बी प्लस ए स्क्वेयर डिवाइड में टू, ठीक है, बस मल्टीप्लाई किया बाकी कुछ नहीं। यहाँ से कितना आ गया, अब ये आ गया आपके पास ए बी माइनस ए स्क्वेयर। अच्छा ऐसा करते हैं, अच्छा जी यहाँ पर कितना है, बी स्क्वेयर है ना, तो बी स्क्वेयर को बी स्क्वेयर लिखो, माइनस इसको करेंगे तो टू ए बी बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, दो। अब कितना रहा हमारे पास, ये यहाँ पर हमारे पास कितना रहा, ये आ जाएगा टू इंटू ए बी माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है, कितना आ गया, टू ए बी माइनस टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू। तो टू ए बी से ये टू ए बी चला गया, अब बचा कितना हमारे पास, माइनस टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, माइनस कर देंगे तो माइनस ए स्क्वेयर और ये प्लस बी स्क्वेयर अपॉन टू, और इसको कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन टू। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन जीरो से फाइव एक्स प्लस वन डी एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखना, एनएच का तो फॉर्मूला हमारा क्या है कि बी माइनस ए करेंगे, ठीक है, बी माइनस ए करेंगे। अब ए कितना आपके पास, यहाँ पर ए आपके पास अब है जीरो, ठीक है, एंड बी आपके पास कितना है, फाइव, इस बस इतना ध्यान रखना। तो एनएच कितना आएगा, बी माइनस ए यानी कि फाइव माइनस जीरो, कितना आ गया ये, एनएच इक्वल टू फाइव, ठीक है, एनएच की वैल्यू आ गई फाइव। अब इस एनएच की वैल्यू अगर हमारे पास फाइव आई है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन है। अब निकालेंगे एफ ऑफ ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास जीरो है, ठीक है, तो ए के प्लेस में हम लिख देंगे जीरो प्लस वन, कितना आ गया वन। अब हमारे पास क्या है दूसरा, ए प्लस एच होता है, ए दोबारा से कितना है जीरो, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, एफ ऑफ
सॉरी यार, यहाँ पर ना एफ ऑफ ए निकाल रहे थे हम। एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना आएगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है ना, ठीक है। तो आपके पास ये साथ में कितना है, वन, तो जीरो प्लस वन कर देंगे, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। अब रही बात एफ ऑफ ए प्लस एच की, तो एफ ऑफ ए प्लस एच कैसे रखेंगे, एफ ऑफ जीरो प्लस एच यहाँ पर कितना आ जाएगा, एच प्लस वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वन हमारा साथ में है, ठीक है, ये वन हमारा साथ में है, ये देख लो, ठीक है। अब एफ ऑफ ए प्लस टू एच रखेंगे तो कितना आएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस टू एच, तो यहाँ कितना आ गया, टू एच प्लस वन। अब टू सो ऑन जाएंगे हम, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, तो कितना आएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच, कितना आ गया, एन माइनस वन इंटू एच प्लस वन। क्लियर है बात, ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस एच प्लस वन प्लस टू एच प्लस वन अप टू सो ऑन प्लस एन माइनस वन, और सॉरी यहाँ पर ना एन माइनस वन आएगा यार, एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है, प्लस वन। अब देखो यहाँ पर तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, यहाँ से क्या करो, वन 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 जो बाहर दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है ना, वन 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 साथ में ले लो, वन प्लस वन प्लस वन, और वन प्लस वन प्लस वन लिया आपने, ठीक है, अप टू सो ऑन, यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर भी वन है, तो इसको हमने ले लिया वन, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको तो कर देंगे ब्रैकेट में, ठीक है जी। अब देखो इतना करने के बाद प्लस यहाँ देखो आपके पास क्या है, एच दिख रहा है, यहाँ टू एच दिख रहा है, तो एच ले लेंगे प्लस टू एच ले लेंगे प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पर कितना है, एन माइनस वन इंटू एच, यानी कि वन वाली टर्म्स को अलग कर दो, सबको बांट दो, टू एच वाली को अलग कर दो, वन वाली को अलग कर दो, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, यहाँ पर अब देखो ये एन टर्म बन रही है, यानी कि इसको लिख सकते हैं वन इंटू एन आराम से, ठीक है, प्लस एच इंटू एच कॉमन लिया, यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो लिमिट ली हमने एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर कितना, अच्छा यहाँ पर ना एच भी था साथ में, एच यहाँ पर आ गया एन प्लस यहाँ से क्या आ गया, एच आ गया। अब ये दोबारा से क्या बन रहा है हमारे पास, एन एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, तो एन के प्लेस में एन माइनस वन रखेंगे, और एन इंटू एन प्लस वन, तो एन प्लस वन के प्लेस में आ जाएगा एन माइनस वन प्लस वन, ठीक है, और डिवाइड में टू। इतना क्लियर हो गया। अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच को एज इट इज रखो, एन प्लस यहाँ पर एच रखो आप ऐसे ही, यहाँ पर कितना आ गया, इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है, तो ये बचा एन माइनस वन इंटू एन अपॉन टू, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वैसे ही जा रहा है अभी तक। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, और इस एन को क्या करो, सॉरी एच को क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या हो जाएगा, एन एच प्लस एच स्क्वेयर इंटू एन माइनस वन इंटू एन अपॉन टू, ठीक है। अब दोबारा से क्या हो गया, सेम वैसे ही हम एच को बांट देंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एन एच प्लस एक एच इसके साथ और एक एच इसके साथ, यानी कि एन एच माइनस एच इंटू एन एच अपॉन टू, ठीक है। अब एन एच के प्लेस में हमारे पास कितना है, एन एच की वैल्यू, एन एच की वैल्यू हमारे पास है फाइव, तो एन एच के प्लेस में फाइव रख दो। ये आ गया लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एन एच के प्लेस में मैंने रख दिया फाइव, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ऐसा करते हैं सबसे पहले देखो लिमिट को लगा देते हैं, ठीक है, लिमिट लगा देंगे पहले। लिमिट को हमने जैसे यहाँ पर लगाया, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो h की वैल्यू थी वो तो जीरो बन गई, ठीक है, ये जीरो हो गया, तो
तो बचा हमारे पास सिर्फ एन एच प्लस एन एच इंटू एन एच, ठीक है, अपोन में टू, तो कितना आ गया अब ये 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 2, यानी कि ये आ गया 5 प्लस 25 अपॉन 2। इसको हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके 2 आएगा, 5 टू 10 प्लस 25 यानी कि 35 अपॉन 2 आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 3 से लेकर के जितने क्वेश्चन हमारे बचते हैं 6 तक, ठीक है, उसमें हम कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर किसी को भी इन क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू।